दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त लवी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ जिससे आप फ्री में इंटरनेट चला सकते हैं अपनी एयरटेल सिम में। जी हाँ दोस्तों, फ्री में इंटरनेट चला सकते हैं, चाहे वो आप 2G चलाइए, चाहे 3G चलाइए, चाहे 4G चलाइए। वो आपके फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फ़ोन क्या चीज़ सपोर्ट करता है, 2G या 3G या 4G। आप इसे अनलिमिटेड डाउनलोड कर सकते हैं, अनलिमिटेड सर्फिंग कर सकते हैं, एनी टाइम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं आप ऑल ऑफ इंडिया में फ्री इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, फ्री इंटरनेट आप यूज़ कर सकते हैं। जी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, टिप्स एंड ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल को, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स एंड्रॉयड से रिलेटिव रोज़ लाता हूँ और वो सीधा आपके मेल पर आएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। इसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाके आपको सर्च पे टाइप करना है DROIDVPN, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये जो एप्लीकेशन है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, 5 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड करा है। 3.8 की इसकी रेटिंग है। इसके कमेंट्स भी आप देख सकते हैं, कितने अच्छे हैं इसको कमेंट्स मिले हुए हैं दोस्तों। और जो इस एप्लीकेशन का जो साइज़ है वो भी ज़्यादा नहीं है दोस्तों। एप्लीकेशन का जो साइज़ है आपका वो ओनली जो साइज़ है आपका वो 6 MB है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको इसको ओपन करना है। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए मैंने इसको ओपन कर दिया। इसके बाद दोस्तों, आपको इसमें क्या करना है, साइनिंग करना है। इसमें अपना एक अकाउंट बनाना है छोटा सा, जैसे आप जीमेल पे बनाते हैं, चाहे वो आप जीमेल से भी बना सकते हैं इसमें अकाउंट। अकाउंट बनाने के बाद ये सीधा आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा आपका मेल, वो सीधा आपको अपनी वेबसाइट पर ले जाएगा DROIDVPN में। वहाँ पर जाके आपको नॉर्मली वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी ये जो एप्लीकेशन है DROIDVPN को ओपन करना है। ठीक है दोस्तों, ओपन के बाद आपको ऐसा एक सिंबल दिखाई देगा ऑन ऑफ का, नीचे लिखा होगा डिस्कनेक्टेड, डाउनलोडिंग 0 KB है, अपलोडिंग 0 KB है, BMW सिर्फ 0 KB है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी फ़ोन की सेटिंग पे जाना है दोस्तों। आप अपनी फ़ोन की सेटिंग पे जाइए। फ़ोन की सेटिंग पे मोरी जो सेटिंग होती है आप उसमें जाइए, मोबाइल नेटवर्क में जाइए। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क के बाद आपको जाना है एक्सेस पॉइंट नेम में। एक्सेस पॉइंट नेम में आपको अपना एयरटेल सेलेक्ट करना है। एयरटेल के बाद आपको जो मोबाइल ऑफिस जो है, जहाँ पे आपका GPRS लिखा होगा, आपको वो सिलेक्ट करना है जिससे हम नेट चला रहे हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, आपका जो VPN टाइप होना चाहिए वो डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट पे क्लिक होके उसको आपको ओके करना है। और जो आपका VPN जो नेम होना चाहिए वो airtelgprs.com होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज़। और ये जो तीसरा जो स्टेप है वो आप ये देखिए, ऑथराइजेशन टाइप जो होना चाहिए आपका नन होना चाहिए, NONE नन पे होना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों, आपको अपनी एप्लीकेशन को ऑन करना है DROIDVPN की। उसके बाद इसकी सेटिंग में जाना है दोस्तों। सेटिंग में जाने के बाद आपको कनेक्टेशन पोर्टेबल एक ऑप्शन आएगा, उसमें जाके आपको TPC सेलेक्ट करना है। ये जो सेकेंड ऑप्शन है TPC, इस पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, जो मेन पॉइंट है आप ये देख पा रहे हैं HTTP हेडर्स, ये जो ऑप्शन है HTTP हेडर्स, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको टाइप करना है जैसे कि मैंने लिखा हुआ है hots.airtellive.com। उसके बाद लिखना है आपको xonlinehots.airtellive.com। जैसे कि दोस्तों, जैसे मैंने लिख रखा है आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है ऐसे करके। ये जो लिखा हुआ है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके सीधा आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको बैक पे जाना है। बैक पे जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा इंटरनेट, ये मैंने अपना वाईफाई ऑफ कर लिया है। ठीक है दोस्तों, ऑफ़ करने के बाद मैं अपना ये जो एयरटेल का है कनेक्शन, इसको ऑन कर लेता हूँ यहाँ से। थोड़ा समय लग रहा है ऑन होने के लिए, अब देख पा रहे हैं, ये देखिए मेरा जो कनेक्शन है वो अभी ऑन हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, एच आ गया है, 3G मेरा सपोर्ट करता है फ़ोन। अब उसके बाद मैं देखिए सर्फिंग करता हूँ अभी।
ये देखिए, अब मैंने इसमें फेसबुक पे क्लिक करा है, ये देखिए अभी इसमें फेसबुक नहीं चलेगी दोस्तों, अभी इसमें ओनली एयरटेल का आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरी एयरटेल की सिम है, अभी इसमें फेसबुक नहीं चलेगी। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा कनेक्शन नहीं चल रहा है अभी इसके अंदर। हाँ जी दोस्तों, अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको अपनी एप्लीकेशन पे जाना है, दोबारा इसको कैंसिल कर देना है यहाँ से, उसके बाद आप एंड्रॉयड वीपीएन पे जाइए। उसके बाद आपको जो जो मैंने आपको स्टेप बताया वो आपको फॉलो करने के बाद दोस्तों, उसके बाद आपको जो मैनुअली सिलेक्ट करना है, इसमें आपको बहुत सारे सर्वर्स होंगे, देखिए फ्री सर्वर 1, 2, 3, 4, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये सर्वर आपको बस, ये 6 सर्वर है, बस आपको 6 तक सिलेक्ट करना है। आप मैनुअली कर सकते हैं, यहाँ से मैनुअली रैंडम करिए, रैंडम के बाद ये जो ऑन ऑफ का बटन है आप इसको ऑन कर दीजिए यहाँ से। ये देखिए मेरा कनेक्ट हो चुका है एंड्रॉयड वीपीएन मेरे फ़ोन से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये कनेक्ट हो रखा है, ये स्पीड आनी चालू हो गई है। अब इसको मिनिमाइज़ करिए, अब मैं अपना यूसी ब्राउज़र ऑन करूँगा अपना। ये देखिए यूसी ब्राउज़र ऑन कर, अब मैं इसके बाद अपनी फेसबुक चलाऊँगा। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी फेसबुक अब चालू हो चुकी है, फ्री के नेट से चल रही है दोस्तों, ये मेरा फ्री का नेट चल रहा है। आप कुछ भी डाउन सर्फिंग कर सकते हैं, इसमें कुछ भी लिख दीजिए। अब जैसे ये है 9 ऐप, मैं गूगल खोल लेता हूँ पहले। ये देखिए गूगल खुल गया है, इसमें गूगल पे आप यूट्यूब लिख सकते हैं यहाँ पे। YouTube लिख के आप इसको सर्च करिए यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा फ्री का नेट चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये स्पीड आ रही है इसकी, कितनी है 2.7 की भी स्पीड आ रही है। आप इसे YouTube भी अपना चला सकते हैं दोस्तों, जैसे कि ये देखिए मैं YouTube चला के दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा YouTube खुल गया है पेज दोस्तों। ये देखिए मेरा टिप्स एंड ट्रिक्स का जो चैनल है यूट्यूब का, वो खुल गया है दोस्तों। इससे आप दोस्तों फ्री में इंटरनेट चला सकते हैं एंड्रॉयड वीपीएन की एप्लीकेशन से। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस थोड़े स्टेप आपको फॉलो करने हैं और आप फ्री में नेट चलाइए, जो मर्जी डाउनलोड करिए, जितना मर्जी दोस्तों। अब देखिए, अब मैं इसको ऑन करता हूँ अपनी एप्लीकेशन को, ये मेरी अभी एप्लीकेशन चल रही है। अब मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ, मैं यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यस कर दिया, ये हो गया मेरा डिस्कनेक्ट। इसके बाद मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ फेसबुक। ये देखिए दोस्तों, अब जो है मेरी फेसबुक नहीं काम कर रही है दोस्तों। बिल्कुल सरल तरीका है फ्री में इंटरनेट चलाने का, बिल्कुल इस, बस आपकी जो सिम होनी चाहिए वो एयरटेल का कनेक्शन होना चाहिए दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सिंपल स्टेप फॉलो करिए और आप फ्री में इंटरनेट चलाइए कहीं पर भी दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और मेरी वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आई हो तो। धन्यवाद दोस्तों।